हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ यूपीएससी। तो आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीएसआर 2016 एग्जाम में आपको आए थे। एक सेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं जिसमें हमने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, बट क्योंकि 2016 में काफी ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे जिस वजह से हमने इसको दो सेशन में डिस्कस किया है। तो आज आपका सेकेंड सेशन रहेगा फॉर सीएसआर 2016 रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। और आज हम कंप्लीट कर देंगे पूरा का पूरा, मतलब 2016 का पेपर, और फिर अगले में हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ जी, ये एक पजल है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो 2016 में आए थे, बचे हुए क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये पूरी पजल, इतना बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में था, ठीक है, और इस पे बेस्ड थे आगे आपके तीन क्वेश्चन। तीन क्वेश्चंस इस पैराग्राफ पे बेस्ड है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, उसने बोला कि छह बॉक्सेस है। सबसे पहले तो उसका क्या कहना है कि छह बॉक्सेस है, पेंट किया है छह कलर से, ठीक है, कलर्स उसने बता दिए। फिर उसने बोला कि हर बॉक्स में एक बॉल है किसी भी कलर, किसी भी गेम की, जो उसने बताया है, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमें पजल की तरह भी सॉल्व करना है और साथ साथ हमें सिटिंग अरेंजमेंट को भी सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करेंगे। छह पॉइंट्स हमने लगा दिए क्योंकि छह बॉक्सेस हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन में उसने क्या क्या बोला है, सबसे पहले तो कि बॉक्स ए विच कंटेन्स टेनिस बॉल इज ऑरेंज इन कलर, ठीक है, ये जो है ऑरेंज कलर की है और वो एक्सट्रीम राइट पे है। तो देखो, इसका एक्सट्रीम राइट होगा ये वाला, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा बॉक्स है, ए, जिसमें टेनिस बॉल है, ठीक है, और उसका कलर जो है वो ऑरेंज है। तो यहाँ पे हमने टेनिस और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसने और इंफॉर्मेशन जो दी है वो देखिए क्या है। जैसे कि उसने बोला कि सी जो है वो क्रिकेट है और ग्रीन पेंटेड है, पर हमें ये नहीं पता कि वो आपने किधर लिखनी है, ठीक है। तो हम पहले वो लाइन उठाएंगे जिसमें हमें ये क्लियर हो रहा है कि हमें वो कौन से पॉइंट में लिखना है, ठीक है। जैसे कि द बॉक्स सी इज फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड नेक्स्ट टू बॉक्स बी, ठीक है। सी जो है वो राइट से फिफ्थ है, ये आपका राइट एंड है, तो राइट से एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे उसने बोला कौन सा है, सी है। और फिर उसने बोला नेक्स्ट टू बी है, बी यानी बॉक्स बी, तो सी जो है वो बी के नेक्स्ट है। अब यहाँ एक लाइन है कि बॉक्स कंटेनिंग द हॉकी बॉल इज बिटवीन गोल्फ एंड वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल वाला यहाँ हमें पता है बी है, ठीक है। तो बी अगर वॉलीबॉल है, बी अगर वॉलीबॉल है, तो उसने बोला कि हॉकी जो है वो वॉलीबॉल और गोल्फ के बीच में है, ठीक है, वॉलीबॉल ये रहा, और गोल्फ जो है वो कौन सा होगा हमें नहीं पता। तो आप जरा ऊपर एक बार चेक करिए, गोल्फ जो है वो तो कौन सा है वो हमें पता नहीं लग रहा, ठीक है, बट बॉक्स सी हमें पता है कि वो कौन सा है, क्रिकेट वाला है, और उसका कलर क्या है, ग्रीन है। तो अब आप एक चीज देखो कि अल्टीमेटली सी जो है वो क्रिकेट है, सी जो है वो तो क्रिकेट है, वो भी हम लिख ही देते हैं यहाँ पे, सी जो है वो क्रिकेट और ग्रीन कलर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रिकेट लिखा और यहाँ पर हमने कौन सा कलर लिख दिया, ग्रीन। जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है हम लिखते जा रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमने उठा ली। अब जो हमारा पॉइंट था कि सी से नेक्स्ट बी है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो सी तो कंसिडर ही नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने बोला हॉकी वाला बिटवीन है गोल्फ और वॉलीबॉल के, वॉलीबॉल और गोल्फ के बीच में कौन है, हॉकी। तो इसका मतलब ये है कि अगर सी यहाँ है और सी से नेक्स्ट बी है, तो सी के यहाँ अगर मैं बी को लिखूं तो बी से आगे जो ये सारा बनाना है वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे, जिस वजह से हमें बी को यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा। और बी की उसने बॉल बता दी कौन सी है, वॉलीबॉल। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, वॉलीबॉल आ गया। चलिए और क्या इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, ऊपर आपको उसने दिया था गोल्फ बॉल जो है वो वॉयलेट बॉक्स में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने वॉलीबॉल लिखा है तो वॉलीबॉल से नेक्स्ट हॉकी और हॉकी से नेक्स्ट गोल्फ होगा, तो यहाँ पे आपने लिख दिया हॉकी और हॉकी से नेक्स्ट आपका क्या हो गया, गोल्फ। तो अल्टीमेटली वो जो कॉर्नर बचा है वहां पे कौन सा आएगा, तो आप देख सकते हैं इसमें से वॉलीबॉल हो चुका है, ठीक है,
फुटबॉल आपका नहीं हुआ, तो यहां पे हम किसको लिखेंगे, फुटबॉल को लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, और क्या इंफॉर्मेशन है? गोल्फ बॉल का कलर बता रहा है कि वो वॉयलेट है। गोल्फ का कलर उसने बता दिया क्या है, वॉयलेट। बट उसने ये भी बोला कि यहाँ पे बॉक्स डी नहीं आ सकता। चलो देख लेंगे, ए के बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन उठा चुके हैं। हॉकी बॉल वो कह रहे हैं कि डी में भी नहीं है और ई में भी नहीं है, तो हॉकी वाले पे भी अगर डी नहीं आएगा तो डी आ जाएगा यहाँ पे। और उसने बोला क्योंकि डी इन दोनों पे अगर मना किया हुआ है, और हॉकी पे अगर डी और ई दोनों नहीं है, तो यहाँ पे अगर ई नहीं आ सकता तो ई किधर आएगा, यहाँ पे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपका क्या रह गया, एफ रह गया। ठीक है, तो ये आपका सारा हमारा मतलब पर्सन भी सॉल्व हो चुका है, गेम भी सॉल्व हो चुकी है, सिर्फ अगर बचा है तो वो कलर है। तो कलर देखते हैं। हाँ जी, उसके बाद सी वाला पॉइंट हमने कर लिया। हॉकी बॉल के बारे में कह रहे हैं वो बॉक्स ब्लू में भी नहीं है, येलो में भी नहीं है। अब देखो कौन कौन से हो गए हमारे, वॉयलेट हो चुका है, ठीक है, ऑरेंज हो चुका है और ग्रीन हो चुका है, बचा क्या, येलो ब्लू और इंडिगो। और अगर वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि हॉकी वाला जो है, ठीक है, हॉकी नहीं, यहाँ पे आपको उसने ये दिया है हॉकी बॉल जो है वो ब्लू और येलो नहीं है, तो अगर ब्लू और येलो नहीं है तो हॉकी का कलर कौन सा होगा, इंडिगो। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ब्लू और येलो में आपका डाउट है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल तो मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ थोड़ा सा टाइम लेने वाला जरूर था। ठीक है, बट अगर आप इसको ट्राई करते, इससे आपके 3 नंबर मतलब 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन। हाँ जी, उसने बोला कि इनमें से कौन से बॉक्स में आपका गोल्फ की बॉल होगी, ये अब हमें क्या करना है, अपने सॉल्यूशन में चेकआउट करना है। तो चलिए एक बार इसको अपने सॉल्यूशन में चेकआउट करिए। हाँ जी, सॉल्यूशन आपका ये रहा। हाँ जी, गोल्फ जो है वॉयलेट और ई है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं ई आएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ जी, देखिए अपने सॉल्यूशन के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ जी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी कि एफ इज पेंटेड इंडिगो। आप देख सकते हैं एफ पे हमारा कौन सा कलर है, इंडिगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल इज इन द बॉक्स ऑफ विच कलर? फुटबॉल देखिए कौन से कलर में है, फुटबॉल में ब्लू और येलो में डाउट है, तो इसका मतलब आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, कैन नॉट बी डिटरमिंड, क्योंकि हमें इधर और का ऑप्शन गिवन ही नहीं है, क्योंकि दो कलर्स में डाउट आ रहा है और दोनों में अगर डाउट है तो वो हमें ऑप्शन ही नहीं गिवन, और अगर हमें वो ऑप्शन गिवन नहीं है तो हम मार्क करेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कैन नॉट बी डिटरमिंड। क्लियर? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इजी तो था, बट मैं ये जरूर एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ थोड़ा सा टाइम लगना था आपको इसको सॉल्व करने में, पर अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो एक क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है, आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट अब आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया था। एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि सिस्टम इज कोडेड एज SYSMET, एक आपको ये एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, दूसरा आपको कौन सा एग्जाम्पल गिवन है कि नियरर इज कोडेड एज ANRER। अब आप एक चीज देखिए, दो एक ही क्वेश्चन में उसने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, तो दोनों का रूल जो है वो तो सेम ही होगा। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे एस वाई एस तो वैसा ही दिख रहा है, फर्क जो पड़ रहा है वो इसका पड़ रहा है, और नियरर में फर्क जो पड़ रहा है वो इसका पड़ रहा है। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे लास्ट के 3 रिवर्स हुए, यहाँ पे शुरू के 3 रिवर्स हुए, तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि दोनों एग्जाम्पल्स में रूल डिफरेंट हो। अगर इसके शुरू के 3 रिवर्स हुए हैं तो ये भी शुरू के 3 रिवर्स होने बनते हैं। तो अगर ये 3 रिवर्स हो रहे हैं तो अगर मैं इनको रिवर्स करूं तो आपका ध्यान जाएगा, असल में एस वाई एस को रिवर्स करके आपका एस वाई एस ही बनता है, और ये एम ई टी है, ये यहाँ पे आर ई आर है, इसको अगर आप रिवर्स करते हो तब भी आर ई आर बनता है। और दोनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर करके हमें समझा रहा है कि हमें करना क्या है, हमारे वर्ड को हाफ और दोनों हाफ को रिवर्स करना है। तो आंसर आपका क्या होगा,
फ्रैक्शन में ये सी ए आर एफ और एन ओ आई टी, ठीक है। तो सी ए आर एफ एन ओ आई टी आपका आंसर है, यानी आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपको कहीं तो इसको देख के घबरा गया और छोड़ दिया, जबकि ये क्वेश्चन एक बहुत नॉर्मल और बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, पजल है। चलिए पढ़ते हैं पहले इसको। हाँ, सिर्फ फर्क इतना था कि इसको अच्छे से पहले पढ़ना पड़ता आपको, ताकि आप इसको समझ पाते कि हमें करना क्या है, ठीक है। फोर फ्रेंड्स है जिनका नाम है ए बी सी एंड डी, नीड टू क्रॉस अ ब्रिज, अ मैक्सिमम ऑफ टू पर्सन कैन क्रॉस इट एट अ टाइम, ठीक है। एक ब्रिज क्रॉस करना है और मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा दो बंदे उसको क्रॉस कर सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है, दो बंदे से ज्यादा नहीं आएंगे। उसके बाद हाँ जी, इट इज नाइट एंड दे जस्ट हैव वन लैम्प, रात का टाइम है, एक ही लैम्प है उनके पास। पर्सन दैट क्रॉस द ब्रिज मस्ट कैरी द लैम्प टू फाइंड द वे, जो बंदा एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है, ब्रिज क्रॉस कर रहा है, उसके पास लैम्प होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि अ पेयर मस्ट वॉक टूगेदर एट द स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन, मतलब दो बंदे जा रहे हैं, दोनों की स्पीड हम देखेंगे, जिसकी स्पीड स्लो है उसकी स्पीड से हम चलेंगे, ठीक है, मतलब वो दोनों उतना टाइम लेंगे। क्रॉस करने के बाद क्या होगा, जो बंदा जिसकी स्पीड फास्ट थी वो क्या करेगा, पेयर में से जिसकी स्पीड फास्ट थी वो वापस आएगा लैम्प के साथ हर बार, ठीक है, और वो दूसरे बंदे को लेके जाएगा। यानी दो बंदे गए, ब्रिज क्रॉस किया, जो स्लो था वो तो क्रॉस कर गया, चला गया, जो फास्ट था वो वापस आएगा लैंप लेके और फिर दूसरे बंदे को भी लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि फाइनली द लैंप हैज टू बी रिटर्न्ड एट द ओरिजिनल प्लेस एंड द पर्सन हु रिटर्न्स द लैंप हैज टू क्रॉस द ब्रिज अगेन विदाउट लैंप। मतलब ये है कि जो फास्ट चल रहा है, दो दो के पेयर में जो फास्ट चल रहा है वो वापस जा रहा है, फिर दूसरे को लेके जा रहा है, फिर तीसरे को लेके जा रहा है, करते करते जब सारे चले गए, फिर जो बंदा मतलब लास्ट में जो फास्ट होगा वो वापस आएगा, लैंप को रखेगा और लैंप को रख के फिर वो बिना लैंप के क्रॉस करेगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने ब्रिज क्रॉस करना है। अब उसने आगे आपको टाइम बता दिया कि टाइम कौन कौन कितना लेगा। एक क्रॉस करने में लेता है एक मिनट, ब्रिज को क्रॉस करने में एक मिनट का टाइम लेगा। बी कितना टाइम लेगा, हाँ जी, दो मिनट, ठीक है। सी कितना टाइम ले रहा है, सात मिनट। डी कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, दस मिनट, ठीक है। ई कितना टाइम ले रहा है, हाँ जी, ई के बारे में देखिए, हाँ जी, चार ही लोग है, सॉरी, ई और एफ नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं सबसे फास्टेस्ट कौन है। देखो सबसे फास्ट है ए, जो सिर्फ एक मिनट में ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। तो ए ने क्या किया, बी के साथ गया, यानी ए और बी गए, स्लो, ए और बी में स्लो है बी, यानी दो मिनट लेंगे ब्रिज क्रॉस करने में, और फिर ए वापस आएगा, और ए की तो स्पीड वन मिनट है, तो यानी उसको एक मिनट लगेगा वापस आने में, ठीक है। फिर ए बी को तो छोड़ आया, बी तो क्रॉस कर गया, फिर ए सी को लेके जाएगा। अब ए की स्पीड एक मिनट है, सी की स्पीड सात मिनट है, तो यानी कि ये मिलके सात मिनट में ब्रिज को क्रॉस करेंगे। फिर अब ए और सी में फिर से फास्ट कौन है, ए, तो ए वापस आएगा और उसको वापस आने में लगेंगे एक मिनट, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, ए तो वापस आया, बी और सी जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, अब किसने क्रॉस करना है, डी ने। तो अब ए और डी लैंप पकड़ के जाएंगे, डी की स्पीड है 10 मिनट, तो इनको 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। उसके बाद अब डी ने क्रॉस कर लिया, ए फास्ट है तो वो वापस आएगा और उसको एक मिनट लगेंगे। अब वो वापस आकर लैंप को छोड़ेगा और लैंप छोड़ के बिना लैंप के फिर से ब्रिज को क्रॉस करेगा, यानी एक मिनट उसको लैंप छोड़ने में लगे, और फिर वो वापस जब जा रहा है तो उसको एक मिनट और लग, तो ये टोटल टाइम है। तो आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है, ठीक है, 3, 7, 10, 11, 21, 22, 23, यानी टोटल टाइम इन्होंने कितना लिया, 23 मिनट का टाइम लिया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, 23 मिनट का टाइम लग रहा है दोनों को, तो आंसर इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके हाँ जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बट बहुत सिंपल था, बट उन्होंने थोड़ा सिंपल को एक अच्छी लैंग्वेज में दिया है। अ पर्सन क्लाइम्स अ हिल इन अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट किधर होता है, नॉर्थ ईस्ट ऐसे होता है, ठीक है, पॉइंट ओ से हिल क्रॉस कर रहे, तो हिल तो स्लोप लाइन ही होगी, ठीक है, और पॉइंट कौन से पे आ गया, ए, आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, देन फ्रॉम द पॉइंट ए ही मूव्स टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बी आ गया, ठीक है, तो ए और बी का डिस्टेंस हमें उसने कितना बताया कि लेट द डिस्टेंस बी 12 किलोमीटर, तो उसने पूछा कि हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो देखो ये आपका बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, ये लाइन आपकी स्लोप लाइन हो गई, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट कर दो, तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है आपका, 13 किलोमीटर आ रहा है, यानी आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, और आपने देखा इसको कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाए हैं, ठीक है, सिर्फ उन्होंने लैंग्वेज थोड़ी सी आपको दी थी कॉम्प्लिकेट करने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है। हाँ जी, उसने बोला अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लैडर, ठीक है, एक बंदा जो है वो फर्स्ट स्टेप पे खड़ा है, ठीक है, इफ ही हैज टू क्लाइंब 4 मोर स्टेप्स टू रीच एग्जैक्टली द मिडल स्टेप, ठीक है, एक सीढ़ी है, देखो फर्स्ट पे खड़ा है, 4 स्टेप उसको और लेने पड़े, है ना, तो यानी टोटल 5 स्टेप्स ले लिए, और 5 स्टेप्स लेने पे वो कह रहा है कि वो कहाँ पहुंचा, एग्जैक्टली द मिडल स्टेप, तो 5वां स्टेप अगर मिडल स्टेप है तो यानी उसके आगे 4 स्टेप और होंगे, ठीक है, 5वां अगर मिडल है तो आगे 4 और होंगे ना, ताकि उसके यहाँ भी 4 हो और यहाँ भी 4 हो, ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके कितने स्टेप्स बने, 9 स्टेप, यानी ये मिडल वाला जो है इसके पीछे भी 4 और आगे भी 4, है ना, तभी ये देखो 4 और 1 5 स्टेप हो गए, तो आगे हमें 4 और स्टेप लेने हैं, तो आंसर आपका होगा कि लैडर में टोटल 9 स्टेप्स है, तभी पहले स्टेप के 4 स्टेप आगे आप मिडल में पहुंचे, ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट एक और पजल, तो आज के सेशन में आपने देखा 2 पजल्स मैं आपके साथ डिस्कस करी और दोनों पजल्स बहुत अच्छी थी। चलिए, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस पे भी आपके कितने क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन, तो बिल्कुल जस्टिफाइड है कि इसमें अगर आपको वो क्वेश्चन दे रहा है पजल का तो आप सॉल्व करेंगे, तो 3 क्वेश्चन आपके रेडी हो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। उसने आपको बोला कि 3 फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है ABC, चलो 3 ही है लिख लेते हैं, ठीक है, मेट, इट वॉज फाउंड दैट ईच ऑफ देम वोर एन आउटर गार्मेंट ऑफ अ डिफरेंट कलर इन रैंडम ऑर्डर, द गार्मेंट्स आर जैकेट स्वेटर एंड टाई, देख लेंगे, ठीक है, एंड द कलर्स आर, फिर उसने कलर बताए, ठीक है, और फिर उनके सरनेम है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले देखो सी के बारे में उसने साफ साफ बोल दिया कि सी क्या पहन रहा है, टाई पहन रहा है, ठीक है, तो हमने लिख दिया जिस तरह से हमें समझ आ रहा था, हमने लिख दिया। उसके बाद उसने बोला नीदर बी नॉर टिबेरियो वोर अ वाइट स्वेटर, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि स्वेटर और वाइट एक साथ आएगा, अब वाइट और स्वेटर बी में भी आ सकता है, ए में भी आ सकता है, सी में तो टाई है, स्वेटर नहीं आ सकता, तो वाइट स्वेटर हम कहाँ लिखे, तो उसने मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि वाइट स्वेटर ए या बी में से किसी एक में आएगा, सी पे तो आ नहीं सकता, पर अगर आप देखो उसने बी को मना किया है, तो अगर उसने बी को मना किया है यानी व्हाइट स्वेटर जो है वो किस पे आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर है सबको। उसके बाद अगर आप देखो, हाँ जी, तो यहां पे उसने ये भी बोला नीदर बी नॉर रिबेरियो, तो नीदर बी नॉर रिबेरियो का मतलब क्या है कि बी भी नहीं पहनता और रिबेरियो भी नहीं पहनता, ठीक है, तो अगर ये ए जो है मतलब ए पे भी रिबेरियो नहीं आ रहा, तो रिबेरियो जो है यहाँ पे आएगा, क्योंकि उसने बोला ये दोनों रिबेरियो पे नहीं होंगे और बी और रिबेरियो दो अलग लोग हैं, तो बी तो यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
रिबेरो, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि सिंह का गारमेंट वॉज नॉट वाइट, सिंह वाइट नहीं पहनता, तो सिंह को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सिंह का गारमेंट जो है वो कौन सा नहीं है, वाइट नहीं है। कुमार का उसने बोला वो जैकेट नहीं पहनता, अच्छा देखो जैकेट तो यहीं पे आएगा है ना, टाई स्वेटर हो गया, जैकेट आएगा यहाँ पे। और देखो यहाँ पे अगर आप देखो सिंह हो गया तो कुमार आएगा यहाँ, ठीक है। और फिर उसने बोला कुमार जो है वो जैकेट नहीं पहनता, बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा है। रिबेरियो का बोल रहा है कि उसको ब्लैक नहीं पसंद, तो यहाँ ब्लैक नहीं आ सकता, ब्लैक आएगा यहाँ पे। और तीसरा कलर आपका कौन सा रह गया, ब्लू व्हाइट और ब्लैक था, ठीक है, तो ब्लू नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लू। तो ये आपका क्वेश्चन था, आंसर आप देख सकते हैं कितनी आराम से हमने सॉल्व कर दिया। और आगे आपको ये लास्ट में एक लाइन दी हुई है, वो तो हमें खैर जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत सिंपली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए आंसर्स देखते हैं। व्हाट इज सी का सरनेम, तो देखिए सी का सरनेम क्या है, रिबेरियो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कलर ऑफ टाई, हाँ जी टाई का कलर क्या है, ब्लू, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हु वोर द स्वेटर, स्वेटर आप देख सकते हैं किसने पहना, ए ने पहना, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके सो ये आपका क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी नेक्स्ट अब आपका फिर से डायरेक्शंस का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे उसने क्या बोला कि अ पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर नॉर्थ, सबसे पहले वो नॉर्थ जा रहा है 12 किलोमीटर के लिए, ठीक है, फिर वो गया 15 किलोमीटर ईस्ट, 15 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है, ठीक है, आफ्टर दैट इस पॉइंट से वो 19 किलोमीटर वेस्ट जाएगा, यहां से वेस्ट जाएगा तो पीछे जाएंगे, वेस्ट पीछे होता है, पर 19 जाना है, यहां से यहां तक 15 हो गया, तो ये आपका कितना हुआ 4, ठीक है। एंड देन 15 किलोमीटर साउथ, अब यहां से वो साउथ में जा रहा है 15 किलोमीटर, ठीक है, तो ये नीचे जा रहा है 15 किलोमीटर, ऑब्वियसली बात है ये 12 है ये 15 है तो इससे लंबा होगा, तो हमें दोनों के बीच की डॉटेड लाइन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ओके तो ये देखिए ये बेस आपका 4 है, ठीक है, 12 और ये पूरा 15, तो ये 12 के पैरेलल 12 है, बाकी हमारा कितना बचा 3 बचा, तो ये 3 और 4 से ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सबको, ये 3 और 4 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। वही पाइथागोरस थ्योरम में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट करना है और आपका आंसर आ रहा है 5 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस टफ नहीं थे 2016 के, अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, 2016 के क्वेश्चन टफ नहीं थे, ठीक है, सिर्फ उनमें जो आपको लैंग्वेज दी थी ना उनको देखकर आप थोड़े से घबराए हो कि पता नहीं क्या आ गया आपके पेपर में, जबकि जिन्होंने ट्राई किया वो इनको बिल्कुल सॉल्व कर पाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब आपका क्यूब का क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल सा है पर वो आपको उलझा रहा है। अ क्यूब हैज ऑल इट्स फेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर, ठीक है, उसके सारे फेस पे पेंट है। इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज सच दैट द साइड ऑफ द स्मॉल क्यूब, स्मॉल क्यूब की साइड जो है वो 1/4 है किसकी, बिग क्यूब की, तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। और उसने बोला कि स्मॉल क्यूब बताइए जिनके वन ऑफ द साइड्स जो है वो पेंटेड हो, तो वन साइड पेंटेड का फॉर्मूला है सिंपल सा, 6 × n-2 का स्क्वायर, और यहां पे n हमारा 4 है, तो 6 − n − 2 4 − 2 कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो 6 × 4 आपका ये कितना आ गया 24, ठीक है, तो आंसर इसका कितना आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं कि 6 × n − 2 का स्क्वायर करना था, बहुत आराम से हम अपना आंसर बता पा रहे हैं जो कि कितना है 24। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, एक बार आप इसको जरा चेक करिए ट्राई करिए। देखो 4 डिजिट नंबर है, दे आर टू बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3 and 4, और आपको कुछ कंडीशंस गिवन है। हाँ जी देखिए इसका आंसर,
हाँ जी बच्चे देखिए इसको, हाँ जी देखो अब आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। देखो एक तो 3 4 2 1 हो सकता है, ठीक है। अगर पहले मैं कंडीशन ले रही हूँ कि अगर मैं 1 को लास्ट में रखूँ, आपको कह रहा है कि 1 इज नॉट टू अपियर एट द फर्स्ट प्लेस, तो अगर मैं 1 को लास्ट रखूँ तो एक तो आपका 3 4 2 1 पॉसिबल है, ठीक है, और आपका क्या पॉसिबल है 2 4 3 1, ठीक है। ये दो आपके कब पॉसिबल है, जब आप 1 को कहाँ रख रहे हो, लास्ट में, क्लियर। अच्छा अब और हम क्या करें, अगर मैं 2 को लास्ट में रखूं, है ना, अगर मैं आपके लास्ट में 2 को रखूं तो 2 लास्ट रखने में 3 1 4 2, ठीक है, 3 1 4 2, 3 4 1 2, ठीक है, दो तो आपके ये नंबर बन गए, ठीक है, और उसके बाद 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो मतलब अगर आप 2 को लास्ट में रख रहे हैं तो आपके ये नंबर बन रहे हैं। अच्छा अगर मैं 3 को लास्ट में रखूं तो आपका 2 1 4 3, अगर मैं 3 को लास्ट में रखूं जो पॉसिबल है वो क्या है, 2 1 4 3, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने बोला कि 4 जो है वो तो लास्ट में आ ही नहीं सकता, तो हमें सिर्फ ये कंडीशंस को यूज करके देखना था कि जैसे कि 2 एंड 3 आर नॉट टू इमीडिएटली फॉलो ईच अदर, कि 2 और 3 एक साथ नहीं आने चाहिए, हमने उस चीज को फॉलो करा, ठीक है। फिर 1 इज नॉट टू बी इमीडिएट फॉलोड बाय 3, 1 जो है वो फॉलोड बाय 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 जो है वो 3 से पहले नहीं, मतलब 1 इज नॉट टू बी इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, यानी 1 के बाद 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो ये नहीं होना चाहिए 3 1 हो सकता था, जबकि यहां उसने बोला कि 2 3 भी नहीं हो सकता, 3 2 भी नहीं हो सकता, इन चीजों को ध्यान दीजिए। उसने बोला कि 2 और 3 एक दूसरे को फॉलो ही नहीं करेंगे, मतलब कि 2 3 भी नहीं और 3 2 भी नहीं, इसका मतलब क्या है कि 1 3 नहीं हो सकता, ठीक है, 3 1 हो सकता है, और फिर 4 जो है वो लास्ट में नहीं आएगा, 1 जो है वो फर्स्ट में नहीं आएगा, इन कंडीशंस को करते हुए कि मतलब फिर लास्ट और फर्स्ट में अगर 1 और 4 ने नहीं आना तो लास्ट और फर्स्ट में या तो आप किसको लिखोगे, आप लिखोगे मतलब देख लेना कि 1 फर्स्ट पे नहीं आ सकता तो फर्स्ट पे 2 3 4 आ सकता था, और 4 अगर लास्ट में नहीं आ सकता था तो लास्ट में 1 2 3 आ सकता था, तो ये सारी कंडीशंस को फॉलो करते हो, और आपने एक पैटर्न में किया, पहले मैंने 1 को लास्ट रख के देखा क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो जब मैंने 1 को लास्ट में रखा मैंने देखा 1 से इधर 3 तो हो सकता है, 1 के इधर 2 भी हो सकता है, तो उस हिसाब से मैंने पॉसिबिलिटीज बनाई, 2 को लास्ट में रखते हुए, 3 को लास्ट में रखते हुए, पर 4 को तो लास्ट में रखना ही नहीं, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कि डिफरेंट नंबर आपके कितने बन रहे हैं, 6 नंबर बन रहे, तो आंसर इसका होगा उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका रैंकिंग का है, उसने आपको बोला इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। देखो गर्ल्स इज टू बॉयज की रेशियो यहाँ पे कितनी आ रही है, 2:1 की, ठीक है, तो टोटल है 60, मतलब 3 की वैल्यू है 60, तो अगर 3 की वैल्यू 60 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 40, ठीक है, और 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20, तो उसके बाद कमल अ बॉय, उसने क्लियर किया कमल जो है वो बॉय है, उसकी रैंकिंग जो है वो 17th फ्रॉम द टॉप है, ठीक है, कमल जो है वो टॉप से 17वें नंबर पे है। इफ देर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, यानी कमल से आगे अगर 9 लड़कियां हैं तो 9 गर्ल्स हो गई, 17 में से 9 लड़कियां हो गई, बाकी क्या है बॉयज है, तो यानी कितने बॉयज हो गए, देखो 17 में से 9 लड़कियां हैं तो बाकी यानी कि हाँ जी बाकी यानी कि 8 बॉयज हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे उसने आपको जैसे कि बोला कि कमल जो है वो 17th फ्रॉम द टॉप है, तो 9 लड़कियां हो गई और 8 बॉयज हो, तो उसने बोला देर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, उस हिसाब से द नंबर ऑफ बॉयज इन रैंक आफ्टर हिम, फिर वो कह रहे कि बताओ कमल के आफ्टर कितने बॉयज है, तो देखो 20 में से अगर 8 बॉयज हो गए, 8 बॉयज जो है वो कमल तक है इंक्लूडिंग कमल, 17 में से 9 लड़कियां माइनस किए, कमल थोड़ा माइनस हुआ है, तो इन 8 में कमल काउंटेड है, ठीक
तो टोटल तो 20 थे, 20 में से 8 बॉयज गए, तो यानी आफ्टर कमल कितने बॉयज हैं? 12 बॉयज हैं। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, ये भी काफी अच्छी पजल है, 1 मार्क की है, बट काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर आप ट्राई करते हो जाती, शायद थोड़ा टाइम लगता, ठीक है, बट एनीवेज कई बार होता है कि हम छोड़ ही देते हैं। ठीक है, हाँ ये मैं सजेस्ट करूंगी कि इस तरह के क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट लगते हैं, लास्ट में अटेम्प्ट कर लिया करो, एक बार मत किया करो, एक बार जो फैमिलियर क्वेश्चन है वो किया करो। बट कई बार आप डिक्लेयर ही कर देते ये तो होगा ही नहीं, वो गलत एटीट्यूड है। ठीक है, प्रायोरिटी उठाइए कि जो फैमिलियर क्वेश्चन है वो पहले करिए, अनफैमिलियर क्वेश्चन को लास्ट में करिए, सो दैट इन केस अगर आपको उसको सॉल्व करने में टाइम भी लग जाए, आपका बाकी पेपर ना छूटे। ठीक है, तो चलिए, इन अ रेस, एक रेस की बात हो रही है, कंपेटिटर है, उसको 6 एप्पल्स उठाने हैं, ठीक है, जो कि लाइन में पड़े हैं, और एक बकेट हमने रखी हुई है, ये एक बकेट पड़ी है और उसके आगे 6 एप्पल्स। ठीक है, उसके बाद उसने आपको क्या बोला? द कंडीशन इज दैट द कंपेटिटर कैन पिक ओनली 1 एप्पल एट अ टाइम, रन बैक विद इट एंड ड्रॉप इट इन द बकेट। वो कह रहे कि कंडीशन ये है कि कंपेटिटर ने एक बारी में एक ही एप्पल उठाना है, बकेट की तरफ आना है और उसमें फेंकना है और फिर वो वापस जाएगा। ठीक है, अगर उसको सारे एप्पल्स फेंकने हैं तो बताइए कितना टोटल डिस्टेंस उसका चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि बकेट जो है वो पहले एप्पल से 5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, और बाकी एप्पल्स जो है वो 3 मीटर अपार्ट है। तो ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, मतलब एप्पल्स में जो दूरी है वो 3 मीटर की है, ठीक है, और बाकी बकेट और फर्स्ट एप्पल में 5 मीटर की दूरी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे जब इसको स्टार्ट किया है ना, आप यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो आपको पहला एप्पल उठाना है, ठीक है, जो कि 5 मीटर की दूरी में है ना, 5 मीटर्स की दूरी पे आ रहा है, और फिर आपने नेक्स्ट वाला जो है वो उठाना है। तो आप एक चीज देखो, पहले तो आप यहां से यहां गए, यहां आए, मतलब 5 मीटर इधर गए, 5 मीटर इधर आए, तो यानी पहले तो आप कितना चले, 10 मीटर। फिर अब यहां से आप सेकंड एप्पल पे जा रहे हो, यानी 5 + 3 = 8, यहां से यहां 8 मीटर, वापस 8 मीटर, तो 8 × 2 = कितना हो गया, 16 मीटर। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहां से चले यहां तक 13, ठीक है, 11 × 2 कितना हो गया, 22। तीसरा एप्पल भी उठा लिया। अब ये चौथा उठाते हैं यहां से लेके यहां तक, तो ये कितना हुआ, 14, एक बार जाना और एक बार आना, तो 14 × 2 = कितना हो गया, 28 मीटर। ठीक है, उसके बाद अगला एप्पल उठाएंगे तो ये देख सकते हैं 14 + 3 कितना हुआ, 17, 17 × 2 = 34 मीटर, और उसमें 3 और, फिर आपका हुआ 20 × 20, 40 मीटर। ये आपकी सारी जर्नी रहेगी। ठीक है, तो अगर आप इन सबको ऐड करते हैं, आप देख सकते हैं, वैसे तो आपको आइडिया हो गया होगा क्योंकि सामने 150 मीटर ही इतना बड़ा नंबर है, तो ये आपका बना 26, ये आपका बना 50, ये आपका बना 74। तो देखो बहुत आराम से अब आप समझ पा रहे हैं, ये 76 और 74 को ऐड करते हो तो कितना आ रहा है आपका, 150 मीटर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। थोड़ी सी कैलकुलेशन और हल्की सी पजल, तो काफी इंटरेस्टिंग था ये वाला भी, बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर पा रहे थे। चलिए, तो इसी के साथ आपका 2016 में रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो अब आपको मुझे लगता है काफी मोटिवेशन मिली होगी कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको एक हिम्मत रखनी है उसको ट्राई करने की। बट ये जरूर है कि सिर्फ फैमिलियर क्वेश्चन आप पहले किया करो, ठीक है, अनफैमिलियर क्वेश्चन को पहले मत ट्राई करो, उससे ज्यादा पैनिक होता है। जितने भी फैमिलियर क्वेश्चन है जो आपको लगता है हाँ ऐसे से हमने किए हुए, वो पहले सॉल्व कर दो, अनफैमिलियर क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में किया करो। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का सेशन जो है वो ओवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और किसी और पेपर की डिस्कशन करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।